प्रवेश प्रारंभ BTIIT इंजीनियरिंग कॉलेज। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग की सभी ब्रांच उपलब्ध है, तो संपर्क करें। हमारा पता है NH26 नरसिंहपुर रोड, सिरोंजा, सागर। टीकमगढ़ जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत वैशाली नगर में छोटे बच्चों की लड़ाई में दो पक्षों में विवाद हो गया। घटना में अशोक सेन ने अपने साथियों के साथ मिलकर राम कुमार यादव के घर में घुसकर महिलाओं से तक मारपीट कर दी। साथ ही घर के बाहर खड़ी कार को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे चार पहिया वाहन जलकर खाक हो गया। घटना की खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कार के मालिक राम कुमार यादव ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले अशोक सेन की पत्नी शिल्पी सेन के बच्चों से हमारे बच्चों का विवाद हो गया था। इसके बाद अशोक सेन के 10-12 लड़के आए और घर में घुसकर मारपीट कर दी। साथ ही दरवाजे पर खड़ी कार में पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चों का विवाद था, तो इसके बाद फिर एक महिला है यहाँ पर अशोक सेन की पत्नी शिल्पी, जो वहाँ बच्चों के विवाद में उसने अपने पति को फोन लगाया, तो हमें इधर पर खड़े हुए थे, तो वो आया करीबन 8-10 लड़के लगाकर अशोक सेन 8-10 लड़के लगाकर आया और मारपीट करी। अंदर जा कर मकान में LED पूरी गाड़ी में आगे लगा दी है, जिसमें ये 5 लड़के थे, अशोक सेन और प्रद्युम्न बाल्मिक, नीलेश उटमालिया, शैलेंद्र अखबार और अंकित भट्ट। इन लोगों ने पूरी आग जाने की वो गाड़ी में आग लगा दी है और कल से पुलिस आई थी मौके पर। हाँ, पुलिस मौके पर आई थी, वो फायर ब्रिगेडियर भी आई थी, तो उसने आग बुझाई थी यहाँ पर आकर। आप लोगों ने मामला दर्ज कराया? हाँ, मामला अभी हमारा उनने सब इतना मामला दर्ज किया कि अंदर जाकर जो मारपीट की ना तोड़फोड़, वो की अभी आग जनी गाड़ी का अभी मामला दर्ज नहीं किया है उन्होंने, ना आरोपी का नाम बता रहे। कल ये वैशाली नगर के पीछे कुंवरपुरा रोड के पास नीलेश बाल्मीक और यादव परिवार के बीच में झगड़ा हुआ है और दोनों पक्षों पर FIR दर्ज कर दी गई है। सच में बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने आगजनी भी की है और घर में घुस के मारपीट भी की है। हाँ, घर में घुस के जो नीलेश और अशोक सेन के द्वारा घर में घुस के मारपीट की गई है, उस पर प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। आगजनी भी कायम की गई है, जिसकी जांच की जा रही है। घर में किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? जो नीलेश और अशोक सेन की तरफ से रिपोर्ट हुई है, उसमें राम कुमार, विनोद और नंदू यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और इन राम कुमार की तरफ से जो इन पक्ष द्वारा मारपीट गई है, उनमें नीलेश, अशोक और ब्रजेंद्र सेंगर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
महिलाओं के साथ मारपीट की गई है लोगों से? हाँ, मारपीट की गई है, उनकी डॉक्टरी कराई गई है, MLC कराई गई है और अग्रिम कार्रवाई की जाती है। एक पक्ष के खिलाफ 452, 323, 294 घर में घुस के मारपीट की धाराएं दर्ज की गई हैं। दूसरे पक्ष पर भी मारपीट और नीलेश बाल्मीकि चूंकि SC ST कैटेगरी का है तो SC ST की धाराएं भी लगी गई हैं। टीकमगढ़ से सुधीर जैन, सागर टीवी न्यूज। बाबूलाल ताराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, सर्व सुविधा युक्त, सागर का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज। BE, MTech, MBA, पॉलिटेक्निक, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, सिविल, डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट। छात्र छात्राओं को अलग अलग हॉस्टल और बस सुविधा उपलब्ध है, तो आज ही संपर्क करें बाबूलाल ताराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। हमारा पता है NH 26 नरसिंहपुर रोड, सिरोंजा, सागर। हमारा नंबर है 9179073003, 9713441188।